कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खास तौर से बाजार में, खास तौर से सोयाबीन के बारे में जानेंगे। क्या रेट बाजारों में सोयाबीन में देखा जा रहा है, क्या कीमतें मार्केट में चल रही है सोयाबीन में, किस तरह का उतार चढ़ाव ट्रेंड मार्केट में आज देखा जा रहा है, विस्तार से बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सोयाबीन की जो कीमतें हैं उत्पादक मंडियों में कमजोर देखी जा रही हैं। कल भी बाजार में गिरावट के साथ कारोबार सोयाबीन में हुआ था, और आज भी गिरावट ही देखी जा रही है। 5600 से नीचे फिर सोयाबीन का रेट आ चुका है, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र में धनराज प्लांट में लातूर में जो रेट है 5570 चल रहा है, 10 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। ऑक्टेगन प्लांट का रेट 5725 रुपए हो गया। दुलिया में गिरावट आने के बाद 5525 रुपए का लेवल है। बाजारों में 15 रुपए गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। नाडेड़ में श्रीनिवास कैटरफील प्लांट की कीमतें 1375 है, 25 रुपए गिरावट बाजारों में यहां दर्ज करी गई है। इसके अलावा अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो इटारसी प्लांट में मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। प्लांट में 5500 रुपए का रेट चल रहा है। कृति प्लांट का रेट 5500 रुपए है। प्रेस्टीज प्लांट कीमतें 5560 है, और प्रकाश प्लांट का रेट भी बाजारों में 5560 रुपए देखा जा रहा है। और साथ ही शिकागो में सोयाबीन में सोया तेल में अमील के दाम में कमजोरी देखी जा रही है। व्यापारियों के अनुसार घरेलू बाजार में सोयाबीन की आवक बराबर देखी जा रही है, और मिली जरूरत के हिसाब से खरीदारी करके चल रही है। बहुत ज्यादा बाजारों में तेजी नहीं है, और बाजारों में जो नई फसल सरसों में आने वाली है उसका प्रेशर सरसों के साथ साथ आप सोयाबीन के बाजार पर भी देख कर चल सकते हैं, और कीमतों में यहां से और भी गिरावट देखी जा सकती है। ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, तो ट्रेंड फिलहाल के लिए निगेटिव है, और हमारे सलाह आपके लिए रहेगी कि आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। चलिए, आने वाले टाइम में आपको और भी बाजारों में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।